दुबई एक बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है और वहाँ पर एक मंदिर तामीर किया गया है। वहाँ पर तकरीबन 15 देवता रखे गए हैं जिनकी हिंदू पूजा करते हैं। यूएई में एक मंदिर बना दिया गया था जिसकी ओपनिंग दशहरे के मौके पर की गई है। अगर इसके अलावा हम बात करें दुबई में, यूएई में इस वक्त दशहरा भी बनाया गया है और जो ओपनिंग की गई है वो मंदिर की, वो बेसिकली इंडिया को, इंडियंस को स्पेशल फील करवाने के लिए की गई है। दुबई जैसे इस्लामी मुल्क में एक मंदिर की तामीर होना, ये कैसा इकदाम है दुबई का? हमारे पड़ोस में सिर्फ इंडिया है, बाकी ना आप अफगानिस्तान से ज्यादा सीख सकते हैं ना ईरान से। तो वो तो एक इस्लामिक स्टेट है क्योंकि वो एक अरब स्टेट है, एक मिडिल ईस्ट में आती है वो, तो ऐसा करना तो नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको प्रेस करने के लिए या उनको रिस्पेक्ट देने के लिए या कुछ भी, जैसे आप बता रही हैं। तो एक उन्होंने, तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से सऊदी अरेबिया में दशहरा के दिन एक भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। भव्य मंदिर की खासियत ये है कि इस भव्य मंदिर में हिंदुओं के अलावा छोटा सा गुरुद्वारा भी है और चर्च भी है, क्योंकि दुबई में ये चीज़ें आपको पता है कि वहाँ पर मंदिर होना ही एक बड़ी बात है, गुरुद्वारा चर्च तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बहुत बड़े नंबर में वहाँ पर भारतीय बसे हुए हैं, बहुत बड़े नंबर पे क्रिश्चियन भी हैं, बहुत बड़े नंबर में सरदार जी भी हैं, मतलब सिख भाई हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्रे करने, प्रार्थना करने के लिए जाना पड़ता है। तो उस वजह से ऐसा एक मंदिर बनाया तो उसमें ये चीज़ें भी डाल दी, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। इसमें हिंदू धर्म के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम किसको हो रही है आप आगे वीडियो में देखेंगे। पहले वहाँ पर एक मंदिर तामीर किया गया है, वहाँ पर तकरीबन 15 देवता रखे गए हैं जिनकी हिंदू पूजा करते हैं। दुबई जैसे इस्लामी मुल्क में एक मंदिर तामीर किया गया है, वहाँ पर 15 रखे गए हैं जिनकी जो हिंदू हैं वो पूजा करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि दुबई जैसे इस्लामी मुल्क में एक मंदिर की तामीर होना, ये कैसा इकदाम है दुबई का, इस हवाले से क्या राय है आपकी? देखें, ये तो वैसे मेरे नुक्ते नज़र से अगर आप पूछें तो कोई अजीब बात नहीं। अगर यूएई ने खोल लिया तो कौन सी बड़ी बात है, हमारी रूट्स पक्की होनी चाहिए। बेसिकली इस वक्त हमें जो ज़रूरत है, हमारी रूट्स बहुत ख़राब हो गई हैं, इस्लामी तालीमात घरों में ख़त्म होती जा रही हैं, जिसको जो है ना वो ज़रूरत है इस वक्त कि उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। अच्छा सर, जितने भी ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हों, गैर मुस्लिम ममालिक हों, वो इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात में जा रहे हैं, चाहे वो सिफारती हों या बैन अल-अक़वामी किसी तरह के भी ताल्लुकात हों, वो उसमें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो सर, पाकिस्तान ने क्या इंडिया के साथ अपनी अना का मसला बना लिया है? हम इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात की तरफ क्यों नहीं जा रहे? बेसिकली ये भी एक, इसको आप कह लें कि माइंडसेट मौजूद है पाकिस्तान में जो हमें उस तरफ जो है ना जाने नहीं देना चाहता। बेसिकली हमें चाहिए कि हम अपने अंदर पहले तरक्की करें। देखें, आपने किसी को कम्पीट करना है ना, तो कम्पीट आप पहले उस लेवल पे तो आएँ, हमारा एजुकेशन लेवल देख लें और हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम तालीम देख लें। जब तक वो हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हम लोग उसके बराबर कैसे आएँगे? वहाँ आईटी की एजुकेशन इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर आईटी की एजुकेशन उतनी कम है। हर चीज़ में देखें इतना ज़्यादा डिफरेंस है वहाँ पर। वहाँ पर लोग जो है, मैंने खुद देखा, बीइंग पाकिस्तानी हूँ मैं, लेकिन मैंने खुद देखा कि वहाँ लोग रूल्स फॉलो करते हैं, हम यहाँ देखते हैं इशारे पे कोई नहीं गड़ा, हम इशारा काट देते हैं। बेसिकली हमें ज़रूरत है एक नेशन बनने की। यूएई में एक मंदिर बना दिया गया था जिसकी ओपनिंग दशहरे के मौके पर की गई है। अगर इसके अलावा हम बात करें दुबई में, यूएई में इस वक्त दशहरा भी बनाया गया है और जो ओपनिंग की गई है वो मंदिर की, वो बेसिकली इंडिया को, इंडियंस को स्पेशल फील करवाने के लिए की गई है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए की गई है। उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से हमें ये न्यूज़ देखने को मिली है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त दुबई की जानिब से, सऊदी अरेबिया की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी जा रही है इंडिया को, बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है, जबकि हमें पूछा नहीं जा रहा है। जिस तरीके से इंडिया की रिस्पेक्ट की जा रही है उस तरीके से पाकिस्तान की क्यों नहीं की जा रही? क्यों नहीं हमारी गल्फ कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान पर फोकस कर रही? क्यों नहीं उनके साथ बिजनेस करना पसंद करेगी? इसके अलावा पाकिस्तान को अप्रोच क्यों नहीं करी हमारी मुस्लिम कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज? दुबई में एक मंदिर बनाया गया था जिसकी ओपनिंग दशहरे पर की गई है, इसके अलावा यूएई में दशहरा भी बनाया गया है, इंडिया को रिस्पेक्ट देने के लिए क्या कहोगे इस बारे में? एज अ नेशन अगर हम देखें तो मतलब ठीक है, रिस्पेक्ट देना उनका कल्चर है, जैसे उनका नेशनल, उनका रिलीजन हिंदुइज्म है। किनका? इंडिया का। यूएई ने
ही सेलिब्रेट किया है ना दशहरा। ये नहीं, उनको जैसे आप कह रही हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने ये चीज की है, तो उन्होंने वहाँ पे बेसिकली है। देखा जाए तो अगर आप एज अ नेशन अगर आप यूएई को देखा जाए तो वो तो एक इस्लामिक स्टेट है, क्योंकि वो एक अरब स्टेट है, एक मिडिल ईस्ट में आती है वो, तो ऐसा करना तो नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको प्रेस करने के लिए या उनको रिस्पेक्ट देने के लिए या कुछ भी, जैसे आप बता रही हैं। तो एक उन्होंने मंदिर बनाया और खोल दिया, तो बाकी ये टू डिफरेंट चीज़ें हैं कि अगर आप उनको, अगर आप इन द सेंस आप यूए की तरफ से देखेंगे तो वो एक चीज़ गलत है, और अगर आप इन प्रेज ऑफ इंडिया देखेंगे तो उन्होंने उनका एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए ऐसे कुछ किया, तो वो इंडियंस के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। अच्छा सर, इंडिया में ईद भी मनाई जाती है, होली भी खेली जाती है, तो आप मुझे ये बताएगा हमारी जो गल्फ कंट्रीज हैं, अगर मुस्लिम कंट्रीज की हम लोग बात करें इस वक्त, तो इंडिया की जानिब उनका रुझान बहुत ज़्यादा है, जिसकी बरक्स पाकिस्तानी मीडिया ने ये कहा है कि इस वक्त हमें कोई पूछ नहीं रहा है, 75 सालों में हमने कुछ भी नहीं किया है, और इंडिया को जितनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं वो हम भी चाहते हैं हमें भी रिस्पेक्ट शो करें, क्या कहेंगे? देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। आप बीइंग अ पाकिस्तानी हम अपने कंट्री को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया साइट्स पे, न्यूज़ में और बहुत सी ऐसी चीज़ें समझ के कि हमें देखने को मिलती है एज अ स्टूडेंट, जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैं जब ये देखता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमिक किधर आ रही है, अब जैसे कि पिछले दिनों एक न्यूज़ आई कि एप्पल ने अपना प्लांट चाइना के बजाय इंडिया में लगा लिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनको एक लेबर कॉस्ट कम पड़ रही थी। इंडिया की इकोनॉमिक जब इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी, ऑब्वियसली जब तो उनका रुझान बाकी कंट्रीज़ का तो उन पर आएगा ही, उनकी इकोनॉमिक स्टेट, इकोनॉमिक लेवल बहुत आगे पाकिस्तान से, वो पॉलिटिकल कंडीशंस के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ऊपर हैं, स्टेबल हैं। अब हमारे पॉलिटिकल इश्यूज देख लें आप कैसे चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये कि आजकल जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी हिंदी के वर्ड अब लोग बोलने लगे, आम बातचीत में इस्तेमाल करने लगे हैं। आ जाएंगे, देखिए हमारी जो अपनी अल्फाबेट है देवनागरी, उसको तो हमने हटा दिया। नेशन को पहले आप एक्सेप्ट करेंगे, जैसे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, सबका लिंग्विस्टिक वो है, 400 जबानें चलती हैं इंडिया में, तो इंडिया टूट तो नहीं गया। नागालैंड वाला केरला वाले के साथ भी एक्सेंट अलग अलग होते हैं। मैंने एक देखा है पाकिस्तान में, अरसा हो गया कि एक दूसरे के एक्सेंट पे हम लोग बहुत हंसते हैं। आप इंडिया जाइए, आपको कोई उनके यहाँ ये एक्सेप्टेड है कि हर एक का एक्सेंट अलग है, तो कोई हंसता किसी पे नहीं है। हम तो गुजरातियों पे हंसते हैं, पठानों पे हंसते हैं, यानी हर कोई जो शुद्ध उर्दू ना बोले उसको कहते हैं डंगर है। हालांकि पंजाबी इतनी बुरी उर्दू बोलते हैं वो हंसते हैं सब पे, हाँ जी देखो कैसे पंजाबी कैसी गलत उर्दू बोलता है। तो जो लोग पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं वो कराची को कराने, यूनाइटेड स्टेट अमीरात दुबई में एक टेंपल बनाया जाता है, हालांकि इस टेंपल की एक विशेषता ये है कि इस टेंपल में, इसके परिसर में चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, तो इस तरीके का ये भव्य एक टेंपल है, मंदिर है, जिसके परिसर में चर्च है, गुरुद्वारा है। और आप समझ सकते हो कि यार दुबई में अगर काफिर जो हैं, काफिरों को अगर कहीं अपने मतलब जाना है, अपना प्रे करने, प्रार्थना करने जाना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ऐसे ही चीज़ें बननी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े नंबर में काफिर है। बट आपको पता है कि दुबई के लोग या सऊदी अरब के लोग, जहाँ से इस्लाम दुनिया में आया, वहाँ पर मंदिर बन सकता है। बट इसको लेकर अगर आप सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की राय पूछेंगे, मैं सब कॉन्टिनेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनकी अगर राय पूछेंगे ना, तो ये बिल्कुल सिमिलर रहेगी, आप माने ना माने बिल्कुल सिमिलर रहेगी। तो देख सकते हो आप किस तरीके का इनका रिएक्शन रहा और किस तरीके की ये बातें कर रहे हैं। तो अब भाई दुबई है, उनकी कंट्री है, वो लोग जो करें वो करें, बट आपको क्या प्रॉब्लम है? सीधी बात है, प्रॉब्लम एक पैन मतलब जैसे पैन इंडिया मूवी रहती ना, ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल पैन वाली है। मतलब आप समझे कि ये सारे जो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इनकी सबकी प्रॉब्लम सेम है, मूर्ति पूजा वालों से नफरत। क्यों है नफरत बताने की जरूरत नहीं है, डिटेल में अब ये सब चीज़ें एक्सपोज हो चुके हैं, जब से ये पता चला है, खुद जाकिर नायक जैसे लोग इन चीज़ों को एक्सपोज कर चुके हैं, है ना, खुद कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हो यार, मुझे कोई चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो क्या, वही बातें रिपीट करूँ, मूर्ति पूजा किए वो फलाना ठिकाना, जन्नत नहीं मिलेगी काफिरों को, जो मुस्लिम है वही बस जन्नत में जाएंगे, बाकी नर्क की आग में जलेंगे, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, सबको पता चल चुकी हैं। आपके मन में जब दूसरे धर्म के लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट है ही नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ,
सऊदी अरब के तो कुछ लोग मतलब फ्यूचर के बारे में सोचने लगे कि उनका फ्यूचर कैसे रहेगा, तो फिर कैसे आप दूसरे धर्म से रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हो? हालांकि बेवकूफ़ थे हम लोग जब हमें कुछ पता नहीं था, ये चीज़ें पता चली उसके बाद, तो डेफिनेटली नहीं। वीडियो खत्म।